नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो एमएसबीटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन मुंबई की जो कोर्सेस चलाने वाली बॉडी है उसके अंदर जो एडीआईएस की एग्जाम होने वाली है उसके लिए आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एडीआईएस एग्जाम जब आप प्रिपेयर कर रहे तो उसमें से कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, यानी कि आपको जो भी पेपर देना है वो थोड़ा इजी हो सकता है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको एमएसबीटी की सजेस्टिव बैंक यानी कि जो एमएसबीटी के लास्ट चार क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं वो आपको रेफर करने हैं। दूसरी बात, आपको जो सिलेबस है वो रेफर करना है। जिन लोगों को अगर सिलेबस ओरिएंटेड प्रैक्टिस है तो वो चैप्टर वाइज सिलेबस के ओरिएंटेड स्टडी कर सकते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर्स की आदत है तो वो क्वेश्चन पेपर रेफर करके उसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेटिव है या इंपॉर्टेंट लगते हैं वो क्वेश्चन पेपर आपको पूरी तैयारी करनी है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम के पहले आपके पास जो हॉल टिकट, आई कार्ड और स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम के टाइम में 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं, 100% पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो पासिंग के चांसेस है या फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन के चांसेस है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और फॉर्चुनेटली इस बार आपको एमएसबीटी ने जो टाइम दिया है तो उसमें 3 घंटे के अलावा 45 मिनट एक्स्ट्रा दिए है कि 15 मिनट हर घंटे, यानी कि 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें 45 मिनट अलग से दिए हैं, यानी कि आपको 3 घंटे 45 मिनट आपको हर एक पेपर को दिए गए हैं। तो इसकी वजह से आपको सोचने के लिए और उस हिसाब से आपको लिखने के लिए थोड़ा एडिशनल टाइम मिल चुका है। तो आपका जो भी डिप्लोमा या डिग्री का एक्सपीरियंस है, जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री में या एडवांस डिप्लोमा में जो भी पढ़ा है, या फिर बहुत सारे लोग आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर इसके पहले आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे फायदा होगा। तो जिन लोगों की बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो चुकी है उनको सिर्फ रिवीजन करनी है, रिकॉलिंग करनी है, और क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसका आपको अध्ययन करना है। लेकिन जिनको इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की वजह से, इंडस्ट्री की जो ड्यूटीज है उनकी वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अगर पढ़ाई नहीं हुए हैं तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप पेपर में देखेंगे तो ओवरऑल पेपर जो गाइडलाइंस में दिया गया है उस हिसाब से कोई भी पेपर के लिए, जैसे 23108 सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ओरिएंटेड पेपर है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, उसी हिसाब से 23109 10 11 12 13 14 15 है। तो हर एक पेपर के लिए अगर आप क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देखेंगे तो उसमें नॉर्मली पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस होता है चैप्टर 1 पे, जो दूसरा क्वेश्चन है वो होता है चैप्टर 2 पे, और इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो क्वेश्चन है वो 6 चैप्टर का सिलेबस बनाया गया है, और यही सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर का डिजाइन भी नॉर्मली होता है। कभी कभार क्वेश्चन पेपर मिक्स होता है लेकिन जनरल जो गाइडलाइन है एमएसबीटी के तो ये इसी तरह है कि आपका पहला चैप्टर जो है वो 20 मार्क का है और उसी हिसाब से जो पहला क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो 20 मार्क का होगा। जनरली इसमें 4 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो दूसरा या तीसरा छठे तक जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको नॉर्मली 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करने हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक आप देखेंगे तो ये सब 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 16 × 5 = 80 मार्क्स और पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स, इस हिसाब से 100 मार्क्स का क्वेश्चन डिजाइन होता है। अभी कभी कभार ये क्वेश्चंस हम डिजाइन नहीं कर पाते हैं या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4 मार्क्स की जगह 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं,
और वहां पे आपको 8 मार्क के 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक कभी कभार ये हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के आ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से ध्यान में रखना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों भी बातें याद में रखनी है, क्योंकि जो पेपर असेसर होता है, परीक्षक जो होता है, कभी कभार वो क्वालिटी वाइज भी चेक करते हैं, कभी क्वांटिटी वाइज चेक करते हैं, और कभी कभार कॉम्बिनेशन में भी चेक करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर आपका एक क्वेश्चन है MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, तो MSDS का अगर आपको लिखना है आंसर तो उसमें गारंटेड आपका इंडियन MSDS कीवर्ड आना चाहिए, उसमें जो 10 पॉइंट्स है वो 10 पॉइंट्स आने चाहिए। अगर आप यूरोपियन MSDS बताते हैं उनको तो वहां पे 16 पॉइंट्स आने चाहिए। यानी कि ये जो आंसर है इसकी क्वालिटी जो चेक होती है वो मेन कीवर्ड्स, तो MSDS का जो मेन कीवर्ड होगा इंडियन MSDS के हिसाब से 10 पॉइंट्स MSDS होती है और यूरोपियन MSDS के हिसाब से 16 पॉइंट्स MSDS होती है। अगर आप इंडियन MSDS के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको और इम्प्रेसिव आंसर लिखना है तो आप महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 रूल नंबर 73M का रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप MSISC 1989 यानी कि मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट हजार्डस केमिकल रूल का अगर रेफरेंस देना चाहते हैं तो वहां पर आप रूल नंबर 17 भी दे सकते हैं। अगर आपको ये रूल नंबर एग्जैक्टली याद नहीं होते हैं तो आप एटलीस्ट वहां पे लिख सकते हैं कि ये MSDS के गाइडलाइंस महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल और MSISC रूल में दिए गए। तो ये हो गए क्वालिटेटिव एक्सपेक्टेशंस। अभी क्वांटिटी वाइज आपको क्या लिखना है कि आपने अगर अब बताया है कि वहां पे 10 पॉइंट्स है तो आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स के हिसाब से 4 पॉइंट्स वहां पे डिटेलिंग लिखना है। और अगर आप थंब रूल देखेंगे तो नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 1 पेज लिखना है। तो इसमें अगर जो भी 10 पॉइंट्स आते हैं वो 10 पॉइंट्स को उसमें अगर आप 4 पॉइंट्स इलैबोरेट करेंगे यानी कि डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और बाकी के जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो अगर सिर्फ पॉइंट आउट करके अगर छोड़ देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपको ये बताना है असेसर को कि मुझे ये 10 पॉइंट्स आते हैं लेकिन 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने ये 4 इलैबोरेट किए हैं और बाकी के पॉइंट आउट का लिस्टिंग किया है। तो उस हिसाब से उनको क्वालिटेटिव भी पता चलता है कि इनको लीगल रेफरेंसेस भी मालूम है, इनको पॉइंट्स कितने हैं ये भी मालूम है, और ये सभी पॉइंट्स इसको आते हैं लेकिन 4 मार्क्स के हिसाब से और टाइम फ्रेम के हिसाब से वो उन्होंने 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। उसी हिसाब से अगर कहीं जगह आपको पूछा गया है कि नोटिफाइबल डिसीजेस, अगर लेजिस्लेशन जैसे या फिर कहीं पे स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको पूछा गया तो आपको नोटिफाइबल डिसीजेस यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शंस और शेड्यूल नंबर 3 ये अगर आप प्रेफरेबली बताते हैं तो आपका आंसर इंप्रेसिव रहेगा। तो शेड्यूल 3 अगर आप बताएंगे, फैक्ट्री एक्ट बताएंगे और उसमें अगर आपने बताया कि यहाँ पर 29 नोटिफाइबल डिसीजेस है तो ये सबसे पहला इंप्रेशन होगा असेसर पे कि आपको ये नॉलेज है और ये 29 में से आपने कुछ 4 इलेबरेट किए हैं और बाकी के भी मुझे नोटिफाइबल डिसीजेस मालूम है तो उसमें से कुछ आपने लिस्टिंग किया। जैसे अगर आपको मालूम है कि लेड पॉइजनिंग या मैंगनीज पॉइजनिंग या आर्सेनिक पॉइजनिंग, या फिर आपको मालूम है कि बायसिनियसिस क्या होता है, एस्बेस्टोसिस क्या होता है, या लंग डिसीजेस क्या होते हैं, या फिर कार्बन ब्लैक डिसीज क्या होता है, तो जो भी आपको एग्जैक्ट मालूम है वो आपको पहले आंसर लिखना है, क्योंकि जो भी आपके पहले आंसर्स रहेंगे हर एक क्वेश्चंस के आपके पेपर में वो सब इंप्रेसिव होने चाहिए और उसके बेसिस पे आपका बाकी का पेपर भी असेस हो सकता है। ये सिंपल साइकोलॉजी है कि अगर आपके पहले या दूसरे क्वेश्चन पेपर्स में अगर एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं तो उसी हिसाब से वो एक्सपेक्ट करेगा कि बाकी के भी आंसर इन्होंने वैसे लिखे होंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप 29 नोटिफाइबल डिसीजेस में से अगर 4 या 5 इलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके अलावा बाकी के जो है उसमें से लिस्ट आउट करेंगे तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। उसी हिसाब से आपको दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि आपको क्वालिटी आंसर्स देने हैं, क्वांटिटेटिव आंसर्स देने हैं, टाइम भी आपको याद रखना है और 100% अटेम्प्ट भी आपको यहाँ पर करना है।
तो जहां पर भी आपको जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आप कुछ चार्ट्स या कुछ टेबल्स या कुछ फिगर या जो स्केलेटन डायग्राम्स जिसको कहते हैं, नॉर्मल डायग्राम आप अगर निकाल पाते हैं तो वहां पे निकाल लीजिए, क्योंकि उसका इंप्रेशन अलग होगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेंगे कि आपको फायर केमिस्ट्री पूछा गया है, तो आपको फायर की डेफिनेशन लिखनी है, फायर ट्रायंगल के बारे में बताना है, तो अगर फायर ट्रायंगल के बारे में डिस्क्राइब जब आप करते हैं, तो अगर आपने फायर ट्रायंगल ही निकाल लिया वहां पे, अगर आपने डायग्राम निकाल लिया और उसमें आपके जो फायर ट्रायंगल के जो साइड से तीनों साइड्स, वो एक साइड आपने अगर फ्यूल बताया, एक साइड आपने ऑक्सीजन बताया और एक साइड आपने अगर इग्निशन सोर्स यानी कि हीट अगर बताया, तो उसका इंप्रेशन अलग होगा। और बीच में अगर सेंटर में आपने लिख दिया कि ये फायर, अगर ये तीनों एलिमेंट्स अगर मिल जाते हैं तभी फायर कैच हो सकता है, तो इसका एक इंप्रेशन अलग से होगा। उसी हिसाब से अगर आपको एयर पोल्यूशन या एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताना है, तो यहाँ पे अगर आपको मालूम है कि 50% पार्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही है और 17% पार्ट सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है और बाकी के जो एलिमेंट है मिथेन या ओजोन, ये उनके परसेंटेज कम है, तो आप एक पाई चार्ट निकाल के, एक सर्कल निकाल के, वो हाफ सर्कल में अगर 50% CO2 बता देते हैं तो उसका इंप्रेशन अलग से होगा। उसी हिसाब से अगर आपको ओवरऑल इंडस्ट्री की जो हायर लेवल अथॉरिटीज और लोअर लेवल अथॉरिटीज का कुछ चार्ट बनाना है, या फिर जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम बनानी है सेफ्टी मैनेजमेंट में, तो उसमें भी आप एक चार्ट बना सकते हैं जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर टॉप पे रहेगा, या फिर जो अलग अलग मैनेजर्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर अलग से होगा, या प्लानिंग का मैनेजर अलग से होगा, या परचेस मैनेजर अलग होगा, सेफ्टी मैनेजर अलग होगा, तो ये मैनेजर के अलग अलग लेवल्स आप लिख सकते हैं वहां पे चार्ट थ्रू, और उसके अंडर जो भी इंजीनियर्स होंगे या डिजाइनर्स होंगे या फिर जो भी उसको सपोर्ट करने वाले जो भी पर्सनल होंगे, ये सभी पर्सन आप चार्ट थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो डिस्क्राइब करने से अगर अच्छा, अगर आपके पास चार्ट्स या फिर अगर आपके पास डायग्राम या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर अगर ऐसा कुछ आइडिया है जिसके थ्रू आप इनडायरेक्टली उनको बताते हैं कि मुझे ये नॉलेज है, तो आपका डिस्क्रिप्शन कम भी रहेगा तो भी चल जाएगा। तो आपको कम टाइम में मैक्सिमम इंप्रेशन क्वालिटेटिव आंसर्स की वजह से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये एग्जाम के पहले ही अगर आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं कि मुझे अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे ये आंसर में ये डायग्राम निकालनी है या फिर ये स्केच निकालना है या फिर ये चार्ट निकालना है, अगर ये पहले से ही प्रिपेयर करते हैं आप, तो आपको जब एग्जाम में आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, अगर आप सोचने लगते हैं, तो वो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी आज ही प्रैक्टिस कर ले। उसके अलावा जो अभी हमने क्वालिटी में बात की थी कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स वहां पे आने ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, तो अगर आपको जनरलाइज क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें मेन कीवर्ड्स आपके आने ही चाहिए, जैसे कि वहां पे सेफ्टी का एक चैप्टर है, हेल्थ का एक चैप्टर है और वेलफेयर का एक चैप्टर है। अगर ये सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर अगर ये कीवर्ड्स नहीं आएंगे तो वो आंसर का वेटेज कम होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ चैप्टर्स बताएंगे कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, और आपने अगर हेडिंग नहीं दिया या फिर जो मेन टाइटल या कीवर्ड्स नहीं दिए, तो वो आंसर को वेटेज नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कोई भी अगर आपको स्पेसिफिक टाइटल के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके मेन कीवर्ड्स वहां पे आने चाहिए। तो ये आपको टाइम के हिसाब से ध्यान देना है, 100% अटेम्प्ट के हिसाब से ध्यान देना है, क्वालिटी के हिसाब से भी ध्यान देना है, क्वांटिटी के हिसाब से भी ध्यान देना है। जहां पर पॉसिबल है वहां पर चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स या स्केचेस निकालने हैं, और जहां पर पॉसिबल है वहां पे कीवर्ड्स को हाईलाइट भी करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस बार ध्यान में रखनी है, और फॉर्चुनेटली आपको 45 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, उसका भी आपको उपयोग करना है। आपको फिर से एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।